हेलो दोस्तों, बात कुछ यूँ है। एक तरफ तो हम लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में बैठकर एंटरटेनमेंट के लिए अपनी बीवी और अपने टीवी को देख रहे हैं, लूडो पबजी जैसी गेम खेल के अपनी जिंदगी को व्यर्थ साबित करने में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारे गोलू भैया जी अपने एंटरटेनमेंट का समाधान कुछ इस तरह से निकाल रहे हैं। कैप्टन गोलू, क्या तुम उड़ने के लिए तैयार हो? हम उड़ने के लिए तैयार है। चलो ठीक है, इंजन स्टार्ट करो। जहां लॉकडाउन के चलते दुनिया के सभी घरों के दरवाजे बंद हो गए, वहीं हमारे गोलू भैया जी की किस्मत का दरवाजा खुल गया। वाह मोदी जी वाह, भारत की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन लगवा दिए। जिनकी एक झलक पाने के लिए तरस जाया करते थे, आज रोज छत पे बुला के लंगर लगा दिए। वाह मोदी जी वाह। लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों की छतों पर लोग टहलने के बहाने अपनी क्रश और अपने सुंदर सुंदर पड़ोसनों को देखने जाते हैं। सही पकड़े हैं, ऐसा ही कुछ किस्सा है हमारे गोलू भैया जी का। अरे अब सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या? आइए आइए देखिए। मेरी जान चली जाए, तुझे मुड़ के देखे आए तुझे से। मम्मी टैंकी भर की, मोटर बंद कर दो, ऊपर चढ़ के देख रहा था। मेरी सांसें यूं तो हैं हक तेरे, पर जान ही ले लेंगे शक तेरे। देख जमाना ये तो प्यार से जलता है, दिल जलाने वाली चाल ये चलता है। प्यार किया है तुझसे दुनिया भर के गम सह के। Do you have any problem? I think you are staring at me continuously. No. I am just seeing the patang your pitch. आपके पीछे जो पतंग उड़ रहा ना, मैं सिर्फ उसी को देख रहा हूँ। गलत मत समझो, मेरे को पतंग देखने का शौक है। पहली बार इसने मुझे देख के बोला I love you यार। Huh? What? I love kites. मुझे पतंग देखना बहुत पसंद है। वो आपके पीछे पतंग उड़ रहा ना, मैं सिर्फ उसी को देख रहा हूँ। वो देखो, वो वहाँ पतंग उड़ रहा है। आधा घंटे पहले उसी को देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले उस पतंग को देख रहा था, अब उसको देख रहा था। पतंग देखना अच्छा लगता है मुझे। बातों पर काबू रख, चेपू लगने लगेगा उसको। ओए गोलू, लड़का तेरी तरकीब काम कर रही है। मिस पूने वहाँ चोरी चोरी छुपके यही देख रही है कि उसके सपनों का राजकुमार मिस्टर गोलू गुप्ता नहीं आया। पक्का इसको वही लग रहा है कि कल वाली बात से मैं नाराज हो गया, इसलिए छत पे आना बंद कर गया। इम्पोर्टेंस जाग रही है उसके दिल में। आए आए। आज नहीं दिखता, आज नहीं दिखेगा बोलू गुप्ता, आज नहीं। ओए टंकी के पीछे क्या कर रहे तू? मम्मी क्या यार, कहीं से भी टपक जाते हो? कुछ नहीं, 5 रुपए का सिक्का गुम गया था, उसको ढूंढ रहा था। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया मेरी। कौन सी मेहनत पे पानी फिर गया तेरी? मतलब वो फिर से सिक्का ढूंढना पड़ेगा ना शुरू से वहां से, इसलिए मेहनत पे पानी फेर दिया। चलो नीचे आ रहा हूँ। मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट। ओ यार, लगता है मैं फिर से सपना देख रहा हूँ। कहती मम्मी मैं बहुत इंटरेस्टिंग सपना देख रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है, प्लीज मुझे ना उठाना। मैं उठ के घर का सारा काम कर दूंगा, झाड़ू पोछा, प्लीज मुझे जल्दी मत उठाना। अब मैं पूनम की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा, फिर बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, हंसी रात। सॉरी भगवान जी, प्लीज ये सपना लंबा रखना, ये सपना प्लीज। स्वागत
नहीं तो कम से कम शादी तक तो जरूर लेके जाना प्लीज। पिछली बार भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पे सुबह कर दी थी, ये वाला सपना मेरे को लंबा चाहिए प्लीज भगवान जी। पागल हो गया क्या, क्या बुड़बुड़ाई जा रहा है बैठा बस सपना नहीं देख रहा। एक बार दूसरे पैर की चप्पल मारना विश्वास नहीं हो रहा मेरे को। थैंक यू मम्मी जी। हेलो हाय हेलो, खुद से खुद से मैसेज कर रही है मेरे को। कैसे हो तुम, कैसे हो आप? मैं आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। एक बात बताओ, तुम मुझे रोज ताड़ने क्यों आते हो? तेरी लगता बुरा मांगी। कोई ना, बी कूल बी लाइक ए सेक्सी बॉय। मैं तो छत पे टहलने के लिए आता हूँ, ये ताड़ने वाला काम पता नहीं मेरे से कैसे हो जाता है। ओहो, इतने लगते नहीं हो जितने तेज हो तुम। अक्सर चीजें वैसी होती नहीं है जैसी लगती हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा दिखना बुरा लगा हो तो सॉरी। मैंने कब कहा बुरा लगा? मैंने पूछा क्यों देखते हो मुझे? यार ऐसे क्या जवाब दूं इसको, अगर डायरेक्ट आई लाइक यू बोलूंगा तो फट से गो टू हेल्प बोल देगी। थोड़ी तारीफ कर देता हूँ, लड़के को खुद की तारीफ सुनना पसंद है। देखो मेरी बात को गलत वे में मत लेके जाना, मैं जनरली बता रहा हूँ तुम काफ़ी अट्रैक्टिव हो। आई मीन बचपन से तुम काफ़ी यूनिक दिखने वाली लड़की थी तो मैं तुम्हें फॉलो करता था। मतलब बस इतनी सी बात है, कुछ क्रश व्रश टाइप नहीं हो तुम, सिंपली दैट्स इट। अच्छा, ज्यादा श्याणा बन रहा। ओके, आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। लगता है अब ये बाय बोल देगी। हाँ सुनो, अगर तुम्हें कुछ बाहर से मंगवाना हो ना तो मुझे बता देना, मेरे पास पास है, मैं तुम्हें ला दूंगा। वो लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सकते ना, मेरे पास पास है, मैं कुछ भी ला सकता हूँ बाहर से। ये है मेरा नंबर। चेपू साला। चो, बाय। ओ रंग बिखरा मेरा मैं वो। भैया तुम इतने गौर से मोबाइल में क्या देखते रहते हो यार? अरे काहे इग्नोर कर रहे हो भाई, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं बता दो। यार भाई देख तंग ना कर, मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। भाई न्यूज़ तो पूरी दुनिया पढ़ती है लेकिन इतनी कंसंट्रेशन से कौन न्यूज़ पढ़ता है भाई? भाई मैं सिर्फ न्यूज़ नहीं, इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ता हूँ ताकि इस क्वारंटाइन के टाइम पे ना अपनी और अपने फैमिली वालों की फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊँ। तेरी तरह नहीं मैं मिठल्ला। तूने कभी ऑप्टा फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में सुना है? सुना भाई, लेकिन ये सही समय है क्या ट्रेडिंग करने का? मार्केट के इस बुरे वक्त में ना यही सबसे सही टाइम है अपने प्रॉफिट को 5-10 गुना तक करने का, जो कि नॉर्मल टाइम में कभी भी नहीं होता। ऑक्टा एफएक्स ना करंट टाइम में लाखों लोगों को पैसे कमाने का मौका दे रहा है, वो भी घर बैठे। फॉरेक्स ट्रेडिंग ना आज के दौर में एक पॉपुलर प्रोफेशन बन चुका है। भाई यार मैं भी अपने घर वालों की मदद करना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है सही से ट्रेड कैसे करते हैं। अरे यार चिंता ना कर, देख रजिस्ट्रेशन के बाद ना तेरे को एक इंस्ट्रक्शंस की मेल आएगी जिसमें वेब बाइनर्स और एजुकेशनल कोर्सेज के टॉप एक्सपर्ट्स तेरे को हिंदी और इंग्लिश में ट्रेडिंग के बारे में समझाएंगे और तू उसे सिर्फ 1600 रुपये में स्टार्ट कर सकता है। और उसके बाद जितना भी तेरा प्रॉफिट होगा ना तू उसको इंडियन बैंक और नेट बैंकिंग के थ्रू कभी भी ले सकता है। ब्रो इट्स रियली कूल यार, मैं इसको अभी डाउनलोड करता हूं। वेट वेट वेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा तू इसे गूगल प्ले स्टोर पर भी डाउनलोड कर सकता है। अबे राहुल मेरे साथ ऐसे मजाक मत किया कर, नंबर बदल बदल के लड़कियों की बात मेरे चुटकी बनाने की कोशिश मत किया कर, मुझे सब मालूम पड़ जाता है ठीक है समझा, नकली एक्टर कहीं का। सॉरी। अबे साले हट जा नहीं तो चित्रोड़ पे ऐसे लात मारूंगा, सीधा उड़ा के चाइना के वान पहुंचा दूंगा तेरे को। कोलू मैं पूनम बोल रही हूँ, तुम्हारी पड़ोसन, याद है 2 दिन पहले हमारी फेसबुक पर बात हुई थी और तुमने मुझे अपना नंबर दिया था? मम्मी चुप, छोड़ यार आजकल सब कुछ हकीकत हो रहा है मेरा। हाँ जी बोलिए, कैसे याद किया इस ना चीज को आपने? मुझे ना तुमसे एक फेवर चाहिए था, वो तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारे पास पास है, लॉकडाउन में तुम बाहर जा सकते हो, तो मुझे ना एक्चुअली कुछ मंगवाना था तुमसे। हाँ नेकी और पूछ बताइए बताइए क्या मंगवाना, पूरा का पूरा ट्रक लाके आपके घर के बाहर खड़ा कर दूंगा। नहीं ट्रक नहीं मंगाना, एक्चुअली ना मुझे ना क्रेविंग्स हो रही है। क्रेविंग्स,
क्रेविंग्स, ये क्या हो रहा है इसको, पता नहीं क्या। देखो आप फिर ना कोई डॉक्टर को दिखा लो, मैं तो कहता हूँ कुछ हो रहा है अगर आपको। अरे क्रेविंग्स मतलब मेरा दिल कर रहा है चॉकलेट खाने का, पता है मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, और जब से ये लॉकडाउन हुआ है ना मैं चॉकलेट खा ही नहीं पाई हूँ, और तुमने बोला था कि तुम कुछ भी ला सकते हो बाहर से, तो प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए। कोई बात नहीं मैं ला दूंगा आपको चॉकलेट, मेरे को बस एक घंटा दो, मैं एक घंटे में आपको चॉकलेट ला के दे दूंगा। ओके एक सेकंड मुझे ये तो बता दो मैं चॉकलेट दूंगा कैसे आपको। तुम छत पर फेंक देना, मैं वहां से चॉकलेट उठा लूंगी, ऐसे तुम गली मोहल्ले में पकड़ाओगे तो कोई देख लेगा, लोग बातें बनाते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो जी, गली मोहल्ले में तो आंटी इतनी चुगली करते हैं, सबसे ज्यादा तो आपकी मम्मी चुगली, मम्मियाँ होती है ना आंटियाँ, वो चुगलियाँ करती हैं जी, तो ठीक है छत से पकड़ा दूंगा आपको, बिल्कुल सही है। ओके श्योर बाय। हाँ ठीक है ओके बाय। अरे साले बोल तो दिया चोर चोर में पास है कि ला देंगे चॉकलेट, लेकिन कैसे लेके आएंगे भैया को मक्खन लगाता हूँ। कुछ नहीं भैया, दोस्त का कॉल आ गया था भैया। देखो मैं क्या कह रहा था कि वो यार मुझसे नहीं लगेगा मक्खन वक्खन। भैया देखो अगर आप चाहते हो कि आपके लैपटॉप के प्राइवेट फोल्डर में जो मैंने मूवीज़ देखी थी वो सब मैं पापा को ना बताऊं, तो केवल एक घंटे के लिए मुझे पास दे, तो मैं यूं गया और यूं आया, पापा को मत बताना बस। मुन्ना हाँ? अगर तू चाहता है ना जो होली के गुब्बारे बोल के मुझसे छुपा रहा था वो मैं सब मैं पापा को ना बताऊं, तो आगे से मुझसे पास मांगने की गलती मत करियो। भैया मैं मजाक कर रहा हूँ यार, आप तो दिल से ले जाते हो। और सुन पहली फुर्सत में निकले यहाँ से। ले आया मैं चॉकलेट, ले आया। कितनी बार बोला मैं तेरे को मेरा चश्मा ले लिया कर, वो ये धूप थी ना इसलिए। धूप थी ना। वो इग्नोर करना, मेरे भैया थोड़े खड़ूस किस्म के हैं। ये क्या हुआ तुम्हें? वो यार वो बाथरूम में स्लिप हो गया था, बाथरूम में ना शैम्पू ही था, कुछ और चीज नहीं थी, ठीक है ना, शैम्पू था तो उसकी वजह से स्लिप हो गया यार। पहुंचो ख्वाब मुझे कहां घूम रहा है? सर मैं मेरे चुपड़ पे फोड़ा निकल गया, दवाई दिखा ये देखो सर, ये थोड़ी दवाई दिखा, दवाई वो लगा ली मैंने अभी, अभी बताता हूँ। हाँ खैर कोई बात नहीं, तुम चॉकलेट पकड़ो जल्दी से इससे पहले कोई देख ले। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार। क्या यार इतना अच्छा मौका था, एक बार ऐसे करता हूँ कॉल करता हूँ और सॉरी बोल देता हूँ, शायद क्या पता उसको। हेलो देखो पूनम मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, देखो मैं इतनी मेहनत से लेके आया चॉकलेट, वो पता नहीं कैसे मेरे से निशाना चूक गया और नाली में गिर गई, मैं तुम्हें एक और चॉकलेट ला दूंगा, प्लीज तुम गुस्सा मत। अरे रिलैक्स रिलैक्स, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही ज्यादा गुस्सा कर गई थी तुम पे चॉकलेट के मामले में ना। आई होप तुम समझ पा रहे होगे, तुम तो स्पेशली लॉकडाउन में जाके मेरे लिए चॉकलेट लेके भी आए, और मुझे पता है ये तुम बाथरूम में स्लिप नहीं हुए हो, तुमने पक्का पुलिस की मार खाई होगी, और सच सच बताना मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में कर रहे हो ना ये सब कुछ। अरे नहीं कैसी बात कर रही हो तुम, मैंने तो कभी जिंदगी में अपनी शर्ट प्रेस करने की नहीं सोची, लड़की इम्प्रेस करने की कैसे सोच सकता हूँ, मैं सच में बाथरूम में फिसला था। वैसे लड़के बुरे नहीं हो तुम, और मुझे कहना था कि हाँ
बोला 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 कहना चाहती थी कि वो तुम ना हाँ नहीं आई। अच्छा मम्मा बुला रहे हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे बात तो पूरी कर जाओ। और क्या कहना चाहती थी? क्या हो गया तेरे को? एक जोक है, एक दोस्त से पूछता है, भाई मुझसे ना घर नहीं बैठा जाता लॉकडाउन में, मैं क्या करूँ बता, ऐसा कुछ बता जिससे मैं घर में बैठा रहूँ। तो दोस्त पता क्या रिप्लाई करता है, भाई एक काम कर, ट्रिमिंग मशीन उठा और अपनी आईब्रो उठा दे, इससे तो मजबूरी में घर में बैठा रहेगा। अबे ओ थम जा, मेरी बात सुन बेटा ध्यान से। मैंने तय कर लिया है लॉकडाउन खत्म होते ही ना मैं तेरे बड़े भाई की ना शादी कर दूंगा, और मैंने ना एक लड़की भी देख ली है, और लड़की तेरे बड़े भाई को भी पसंद है। मैंने सोचा तुझे क्यों ना दिखाऊं, क्योंकि तेरे होने वाली भाभी जो है वो ये ले। पापा मैं भी देखूं मेरे बड़े भाई को झेलने वाली कौन सी लड़की है।